अमेरिका से भारतीयों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। हजारों लोग अच्छी पढ़ाई, नौकरी और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन इन लोगों में अमेरिका में चावल की बोरियां लूटने की होड़ मच गई है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है वो बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। ये तस्वीर अमेरिका की है और ये लोग प्रवासी भारतीय हैं और इन लोगों में बोरियों को लेने की होड़ मची हुई है। जो भारतीय अमेरिका में काम धंधे की वजह से रह रहे हैं, वो लोग आखिर बोरियों के पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा लग रहा है मानो ये बोरियां अगर इन्हें अभी नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि यहाँ ये भगदड़ चावल की बोरियों की वजह से है और हर किसी में चावल की बोरियाँ लेने की होड़ मची हुई है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसा क्यों हो गया है जिसकी वजह से इतनी अफरा तफरी मच गई है। यहाँ आपको बता दें कि भारत सरकार ने सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसमें बासमती चावलों को शामिल नहीं किया है, लेकिन बाकी किस्म के सभी चावल अब भारत से बाहर नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे आखिर क्या वजह है वो भी आपको बता देते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अब त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है, जिसमें चावल की खपत बढ़ सकती है और भारत से ज़्यादा चावल निर्यात होने की वजह से देश में चावल की कमी होने का खतरा बना हुआ था। और साथ ही चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का कहना है कि बासमती और अन्य चावलों की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र ने सिर्फ गैर बासमती चावलों के निर्यात पर ही बैन लगाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन चावलों की कीमतों में तगड़ा इजाफा हुआ था। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों में चावल की बोरियां लेने की होड़ मच गई है। यहां पर एक एक आदमी 10-10 चावल की बोरियां खरीद रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि विदेश में रह रहे भारतीय अपने दफ्तर से छुट्टी तक लेकर चावल खरीदने पहुँच रहे हैं। अमेरिका में 9 किलो चावल 2215 रुपए यानी कि करीब $27 में मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का असर चावल निर्यात पर कितना होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल भारत अमेरिका को भारी मात्रा में चावल का निर्यात करता है। अब भारत के इस प्रतिबंध का क्या असर है वो तो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।